हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आज के स्टूडियो में रिव्यू करेंगे बॉलीवुड के एक और सुपरहिट फिल्म को। और दोस्तों 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुए साजिद नेडियावाला द्वारा निर्देशित सुपरस्टार दबंग खान यानी सलमान खान सर की फिल्म किक मूवी फुल मूवी रिव्यू। दोस्तों आज के इस वीडियो में बातें करेंगे किक मूवी हिंदी में रिव्यू और इस मूवी से जुड़े रोमांटिक फैक्ट है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सो फ्रेंड, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। किक मूवी एक एक्शन फीचर फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक तथा निर्माता साजिद नेडियावाला हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तथा रणदीप हुड्डा हैं। यह 2009 में आई तेलुगु फिल्म किक का पूर्ण निर्माण है। फिल्म 25 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। दोस्तों बात करें 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई साजिद नेडियावाला द्वारा निर्देशित किक फिल्म का पाठक कथा और लेखक रजत अरोड़ा, कीत गोम, साजिद नेडियावाला, चेतन भगत ने इन्होंने इस मूवी का लेखक और पाठक कथा के रूप में है। और दोस्तों बात करें इस मूवी का सुपरस्टार सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े स्टार आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बात करते हैं इस मूवी का संगीतकार हिमेश रेशमिया द्वारा दिया गया था जो काफ़ी इस मूवी का संगीत लोकप्रिय रहे हैं और फैंस को काफ़ी अच्छा लगा था। दोस्तों बात करें सलमान खान सर की फिल्म का नेडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट स्टूडियो द्वारा बनाई गई थी और इस फिल्म को यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया था। 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई किक फिल्म का हिंदी भाषा में बनाई गई थी और इंडिया में रिलीज किया गया था। दोस्तों बात करें किक फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस मूवी को बनाने में 140 करोड़ की बजट लगी थी और इस मूवी ने इंडिया में अपना कुल कारोबार 231 करोड़ का किया था और इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 377 करोड़ की थी। इस मूवी ने कमाई के मामले में उस टाइम काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। किक ने पहले दिन में 28 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म भारत में हर समय की दूसरी सबसे ऊंची कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गए। 7वें सर्वाधिक कमाई करने वाली विदेशों बाजारों और दुनिया भर में तीसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म में शामिल हो चुकी है। सलमान खान की फिल्म किक 100 करोड़ों के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने पहले हफ्ता में 164.9 करोड़ का रुपये का कलेक्शन किया था। सलमान खान सर की फिल्म की फिल्म सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है। फिल्म किक 2009 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर किक का रीमेक है। फिल्म की कहानी वर्षा में ट्रेन यात्रा के दौरान मनोवैज्ञानिक साइना जैकलिन फर्नांडिस हिमांशु रणदीप हुड्डा से मिलती है जो कि भारत का एक पुलिस ऑफिसर है। अपने शादी की चर्चा करने के लिए उससे मिलता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के इच्छुक नहीं होते लेकिन वो दोस्त बन जाते हैं और दोनों के बीच गहरी बात होती है जिसमें साइना सन की डेविड सलमान खान से अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वो बताती है कि वह सिर्फ किक के लिए जीती है। इस पागलपन के अलावा उनके बीच काफी रोमांस होता है जब तक वह उसे ब्रेक ऑफ करने के बाद एक नई किक के लिए कभी न वापस आने के लिए चला जाता है। ऑफिसर के तौर पर हिमांशु इसके बदले में उसे दावत देता है लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि आखिरकार उसे अपना मैच मिल ही गया जो कि एक शातिर चोर है। उन दोनों को जिस चीज के बारे में नहीं पता होता वह यह कि उन दोनों के बीच एक चीज सामान है और वह है डेबिला यादव
यादस्त यादस्त खो जाने का बहाना करके वह एक बार फिर लौटता है। इन सब के पीछे एक गहरा रहस्य है और मिशन है जिसके पीछे डेविल अपनी जिंदगी खोने की तैयार है। साजिद मीडिया वाला द्वारा निर्देशित फिल्म किक एक 2014 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज एक्शन हिट फिल्म अपने मीडिया वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट बैनर के तहत साजिद मीडिया वाला द्वारा निर्मित और निर्देशित यह 2009 के तेलुगु फिल्म इसी नाम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस, दीपिका हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। पाठक कथा मीडिया वाला और चेतन भगत द्वारा रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म ईद उल फित्र 25 जुलाई 2014 को दुनिया भर में लगभग 5000 से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म में साइना मेहरा, जैकलिन फर्नांडिस, मनोचिकित्सा वर्षा में रहते हैं पोलैंड। उसके पिता ब्रिजेश मेहरा सौरभ शुक्ला एक शादी का प्रस्ताव लाते हैं और उसे हिमांशु त्यागी रणदीप हुड्डा से मिलने के लिए कहते हैं। हिमांशु और साइना एक ट्रेन में मिलते हैं जहां साइना बताती है कि उसका देवीलाल सिंह सलमान खान नाम का एक पूर्व प्रेमी था और उसके साथ अपने पागल अनुभव के बारे में बात करता है। देवी एक वृद्धिमान साहसी व्यक्ति है जो हमेशा अपने जीवन में की तलाश में रहता है। जब इस साइना देवी से मिलती है तो वह अपने दोस्त विधि सुमोना चक्रवर्ती की मदद करने की कोशिश कर रही है जो अपने प्रेमी के साथ है जो देवी की दोस्त है। देवी ने उसकी शादी एक मंदिर में करवा दी लेकिन उनकी माँ उनकी मदद करती है और की के लिए मंदिर पहुँचती है। साइना की मुलाकात देवी के पिता रतन लाल सिंह मिथुन चक्रवर्ती और उनकी माँ रति अर्चना पूरन सिंह से होती है। देवी और साइना तारीख और प्यार में पड़ जाते हैं। साइना के सुझाव पर देवी ने एक रासायनिक प्रयोगशाला में नौकरी स्वीकार कर ली है लेकिन की कमी से पीड़ित कुछ दिनों में इस्तीफा दे दिया। साइना उसे डांटती है और देवी उसके साथ टूट जाती है और दूर चली जाती है। एक पुलिस अधिकारी हिमांशु एक चोर के साथ अपने अनुभव को साझा करता है जिससे वह नफरत करता है क्योंकि वह उसे रोक नहीं सकता और नहीं रो, वो रोक नहीं सकता है। डाकू जिसे डेविल कहा जाता है एक भ्रष्ट व्यवसायी शिव गजर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े लोगों को निशाना बनाता है और उन्हें लूटता है। डाकू कोई और नहीं बल्कि देवी है। जब हिमांशु सौतान को पकड़ने में असफल होता है तो देवी हिमांशु से संपर्क करता है और उसे एक साथी के रूप में संभर्ती करती है और उसे एक हारे हुए व्यक्ति का अपमानित करती है जो वास्तव में एक सुराग है जिसे देवी हिमांशु देती है। पोलैंड में साइना देवी को स्पॉट करती है जो एक दुर्घटना में अपनी यादस्त खोने के बाद इलाज के लिए वहां आई है। साइना देवी के मामले को संभालने
संभालने और उसे घर ले जाने की पेशक करती है। देवी अपनी स्मृत हानि के बारे में कम कर रही है। उसकी असली योजना हिमांशु से दोस्ती करने और शिव को लूटने की है, जो पोलैंड आ रहा है। देवी एक चैरिटी एक्शन में जाती है और शिव को लूट लेती है, लेकिन हिमांशु और साइना देवी की असली पहचान पता लगाते हैं और देवी बच जाती है। हिमांशु ने देवी को स्पष्ट किया और उसे चेतावनी दी कि उसे मार दिया जाए, लेकिन देवी का कहना है कि वह 14 नवंबर को एक बड़ी पार्टी फंड लूट लेगी। देवी ने 14 तारीख को हिमांशु की हत्या करने की हिम्मत की अनाथा। देवी उसके सामने 15 नवंबर को खड़ी होगी और वह कुछ नहीं कर पाएगी। एक फ्लैशबैक में देवी को सच्चे इरादे और इच्छा कामों का खुलासा रतन लाल ने किया। वह साइना से कहता है कि उसका बेटा उन गरीबों बच्चों की मदद करने के लिए डकैती करता रहा है जो बीमारियों से पीड़ित है। देवी ने उन अपने माता पिता के हाथों में एक पत्र पढ़ने के बाद झुमकी नामक एक लड़की को बचाया और जब वह उस पर मुस्कुराया तो उसे सबसे शक्तिशाली की मिला। जब एक डॉक्टर से उसे बताता है कि कई बच्चे बीमारियों से पीड़ित है तो वह उन्हें अपने उपचार के लिए पैसे पाने के लिए लूटने से बचता है। यह जानकर कि वह बहुत की देगा, 14 नवंबर को शिव ने गुर्गो से लड़ने के बाद देवी शिव को मार देती है। हिमांशु को देवी को गोली मारने के लिए अधिकारियों के साथ खड़ा किया था, लेकिन बच्चों ने उसके शॉट को ब्लॉक कर दिया। 14 नवंबर बाल दिवस है और बीमार बच्चे देवी के लिए प्रार्थना करने जा रहा है, जिसके बाद हिमांशु को पता चला कि डकैती बच्चे के लिए थी। 15 नवंबर को देवी को पकड़ने के लिए देवी पुलिस बाल में शामिल हो जाती है। वह थाने पहुंच जाती है और हिमांशु के सामने खड़ा होता है, जो स्थिति के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ होता है, इसलिए अपनी चुनौती की पूरा करता है। हिमांशु को मामले से हटा दिया जाता है और यह देवी को दिया गया, जो अब एक पुलिस अधिकारी है। तब देवी ने हिमांशु को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह कभी भी उनके खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है। एक्टर सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की एक्शन ड्रामा फिल्म की को प्रशंसक को काफी प्यार मिला था। यह तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक्स थी। लंबे समय से किक टू को लेकर कई खबरें आ रही है, लेकिन इसकी अधिकारियों की घोषणा अब हुई है और इसकी घोषणा फिल्म के निर्माता और निर्देशक मीडियावाला ने किया है। हाल ही में घोषणा हुई है कि सलमान खान के साथ एक बार फिर से जैकलिन फर्नांडिस उनके ऑपोजिट साइड में नजर आने वाली है। खबरों से यह भी पता चला है कि अभिनेता करण आनंद भी इस फिल्म का फिर से हिस्सा बनने वाले हैं। किक में भी करण आनंद के किरदार निभाया था, जिसके बाद उनके किक टू में नजर आने की उम्मीद नजर आ रही थी। वही खबरों की
वहीं खबरों की मानो तो करण फिल्म से दूरपाट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि निर्माताओं द्वारा कुछ भी स्थापित नहीं किया गया। वहीं जब इस बारे में करण आनंद से पूछा गया था, तब उन्होंने भी इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिल्म गुंडे से बॉलीवुड में अपने करियर की सफलता शुरुआत करने वाले करण आनंद को हाल ही में लॉकडाउन पर आधारित फिल्म आईना में देखा गया था। कुछ समय पहले उन्होंने वेब फिल्म इट्स ओवर की शूटिंग खत्म है, जो बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। भारतीय एक्टर दबंग खान यानी सलमान खान की तुलना 70 और 80 के दशक की वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से की जा सकती है कि उसकी टीम के कप्तान क्वाइल लायड थे और उन्होंने अपनी कप्तानी में वेस्ट इंडीज को इस मैच में जिताए। कई लोग लायड को महान कप्तान नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वेस्ट इंडीज टीम की इतनी मजबूती की खिलाड़ी है, कप्तानी करे तो यह टीम मैच जीत जाती है। सलमान खान के स्टारडम का पावर भी इंडीज टीम जैसे निर्देशक कोई भी फिल्म सुपरहिट हो जाती है। यही वजह है कि उनके साथ काम करने वाले दोयम दर्जे निर्देशक अरबाज और सहेल खान भी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। सोचिए कि यदि सलमान खान को बेहतर निर्देशक के साथ मिले तो क्या कमाल हो सकता है। वहीं साजिद नेडियावाला को भी वर्षों का निर्माता रहने के बाद निर्देशक खुजली होने लगी, तो उन्होंने सलमान जैसे सुरक्षित सितारे के साथ ही निर्देशक के मैदान में पहले बार उतरना रुचित समझा, ताकि उनकी सारी ऐप छिप जाए, क्योंकि सल्लू के फैंस तो सलमान को देखने आते हैं और उन्होंने निर्देशक कहानी अभिनय को कोई मतलब नहीं होता। दरअसल सलमान खान को साइन करते ही निर्माता निर्देशक के साथ जैकपॉट लग जाता है। कुछ भी बना दो उनके फैंस को फिल्म पसंद आ जाती है। लिहाजा सारा ध्यान फिल्म के बजाय सलमान शो बनने में लग जाता है। किक में भी चारों तरफ सलमान खान है। हर फ्रेम में सलमान खान के लिए जगह बनाई है। फिल्म के अन्य किरदार भी सलमान के संवादों पर प्रतिक्रिया देते हैं। निर्देशक और निर्माता के रूप में साजिद नेडियावाला ने सलमान खान को खूब फोकस किया, ताकि उनके प्रशंसकों का पेट भर जाए। लेकिन बच्चे खुजे लोग जो एक अच्छी और मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर किक फिल्म खरी नहीं उतरती। तेलुगु फिल्म किक 2009 की हिंदी रीमेक किक में कहानी जैसी कुछ नहीं है। देवीलाल सलमान खान बहुत जल्द ही बोर हो जाते हैं। उसे हर काम में किक थ्रिल चाहिए। 500 जॉब उसने छोड़ दिए हैं। वह बहुत ही होशियार हैं। पैदा होते ही लेडी डॉक्टर को आँख मार दी थी। पहले वहाँ हंसा, फिर भी
रॉयल लॉट लैपटॉप लैपटॉप को कीबोर्ड को 180 डिग्री घुमाकर टाइप 180 डिग्री घुमाकर टाइप कर लेते हैं। दोनों हाथों से लिख लेते हैं। टेबल टेनिस में वह सामने खेल रहे दो खिलाड़ियों को अकेला दोनों हाथ से खेलते हुए हरा देते। पढ़ाई में होशियार स्कूल में फर्स्ट कॉलेज में फर्स्ट कुछ अजीब आदतें भी है। टैलेंट में सिर बाल बड़ा होकर सुसु करता है। देवीलाल के ये सारे गुण एनिमेशन के सहारे दिखाई देते हैं और फिल्म से बढ़िया ये लगते हैं कि साइना जैकलिन फर्नांडिस नामक डॉक्टर पर देवीलाल का दिल आ जाता है और साइना पहले उससे चिढ़ती है फिर मान जाती है। साइना के पिता चाहते हैं कि उनका होने वाला दामाद ढंग की नौकरी करे। देवीलाल मान जाता है लेकिन 4 दिन में नौकरी छोड़ देता है। यह बात उसके और साइना के बीच ब्रेकअप का कारण बन जाती है। साइना और देवीलाल एक साल से नहीं मिले हैं। साइना के लिए उसके घर वाले एक लड़का हिमांशु रणदीप हुड्डा ढूंढते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है। साइना उसे अपने अफेयर के बारे में बताती है। हिमांशु पुलिस ऑफिसर हैं। वह भी बताता है कि वह डेविल नामक एक चोर को ढूंढ रहा है जो उसके हर बार चुनौती देता है और करोड़ों की चोरी करता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि डेविल कौन है, वह चोरी क्यों कर रहा है। क्या साइना और देवीलाल एक होंगे? इन सवालों के जवाब फिल्म के आखिर में मिलते हैं। फिल्म का पहला हाफ हास्य और रोमांस को संपर्कित है। सलमान खान का दोस्त भाग कर शादी करता है जिसमें सलमान खान की उसकी मदद करता है। यह प्रसंग बेहद लंबा और खींचा गया है। खूब हंसाने की कोशिश इस सीन में की गई है लेकिन हंसी नहीं आती। इसके बाद सलमान खान का अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के साथ शराब पीना टुन होकर जैकलिन की मदद से घर लौटना। घर पर जैकलिन की सलमान की माँ से मुलाकात वाले सीन भी बेहद उबाऊ है। इन दोनों घटनाक्रमों को बहुत बहुत ही लंबा खींचा गया है। साथ ही ये सीन इतनी सती कि दर्शक इनसे जुड़वा महसूस नहीं कर पाता। सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस का रोमांस और ब्रेकअप भी बेहद सतही है। जैकलिन फर्नांडिस अचानक सलमान को पसंद करने वो लगती है और बिना किसी ठोस कारण के दोनों को ब्रेकअप हो जाता है। दर्शक बेचारे अचंभित ही रह जाते हैं कि इनमें प्यार क्यों हुआ। यदि हुआ तो फिर दोनों अलग क्यों हुए। सेकेंड हाफ में एक्शन को संपीर्त है। सलमान खान कृष्णा और धूम सीरीज की फिल्म जैसा एक्शन करते हैं लेकिन थ्रिलर नदर्द है। पुलिस को तारीख समय और ठिकाना बताकर सलमान खान
चोरी करता है। इस चैलेंज के बिल्कुल भी मजा नहीं आता, क्योंकि सलमान खान 500 करोड़ भी इतनी आसानी से चुरा लेते हैं मानो बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप लेना हो। भारतीय पुलिस तो फिल्म में निकम्मी दिखाई ही जाती है, लेकिन पोलैंड पुलिस का भी वही हाल दिखाया गया है। फिर सलमान खान भी हर बार पुलिस ऑफिसर को चुनौती देकर अपने लिए ही हालात मुश्किल क्यों बनाता है, यह भी समझ से परे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला ट्रैक भी बेहद कंफ्यूजिंग है। इंटरवल के बाद इस ट्रैक को काफी फुटेज दिया गया है और इस दौरान फिल्म अपने निमितम स्तर पर पहुंच जाती है। फिल्म खत्म होने के 20 मिनट पूर्व फिल्म का स्तर ऊंचा उठाया है। इमोशन टच दिया गया है जो सलमान खान के व्यक्तित्व से मेल खाता है। इसलिए सिनेमा हॉल छोड़ते समय दर्शकों को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स उम्दा है और सलमान खान ने उन्हें बखूबी निभाया है। सलमान खान का जैकलिन फर्नांडिस के पिता से पहली मुलाकात वाला दृश्य भी रोमांचक है। किक फिल्म का आज की पोस्टर में हमें सलमान खान की फिल्म किक से जुड़ी 15 ऐसी अनुसानीय और रोमांचक बातें के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। किक हिंदी भाषा में बनी एक्शन फिल्म थी जो 25 जुलाई 2014 को ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणदीप हुड्डा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई बड़े एक्टर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा फिल्म में नरगिस फाकरी भी आइटम संगो यार ना मिले में कैमियो करते नजर आई थी। इस फिल्म से साजिद नेडियावाला ने अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूसर भी उन्होंने किया था। बता दें कि ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। इस फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया, मीट ब्रोस, अनाजा अनजान और यो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था। फिल्म में 5 गाने थे और सभी गाने उस सुपर हिट हुए थे। इनमें से एक गाना हैंग ओवर खुद सलमान खान ने ही गाया था। फिल्म को क्रिटिक्स की तरह से काफी अच्छे रिव्यू मिले थे। यहाँ तक कि पॉपुलर वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के ओनर तरन आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए गए और पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा फिल्म दर्शकों को भी बेहद पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सेकंड से इस प्रकार से किक मूवी का बजट 140 करोड़ रुपए का
बजट बनाया गया था और किक मूवी को ऑफिस कलेक्शन इंडिया में 232 करोड़ रुपए की थी और किक मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 462 करोड़ का रुपये का कमाई करके और इस मूवी ने कमाई के मामले में अपना नाम रोशन किया था। यदि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की बात करें तो यह साल 2014 में रिलीज हुई दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी। साल 2014 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आमिर खान की फिल्म पीके थी जिसने दुनिया भर में 854 करोड़ की रुपए की शानदार कमाई की थी। इसके अलावा ऑल टाइम ओपनिंग डेर और पहले हाफ के कलेक्शन के मामले में भी एक दूसरे नंबर पर रही क्योंकि पहले नंबर पर आमिर खान की फिल्म धूम 3 थी। इतना ही नहीं कि सलमान खान के करियर के भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी जिसने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एक्टर टाइगर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके अलावा ये सलमान खान के करियर के 7वीं ऐसी फिल्म भी थी जो सैकड़ों के क्लब में शामिल हो चुकी थी। इसके साथ साथ ये सलमान खान के करियर की पहली ऐसी फिल्म भी थी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। आपको बता दें कि किक पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी और वहां भी इस फिल्म ने जमकर कमाई की थी। पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पहले दिन में कमाई के मामले में और आमिर खान की धूम 3 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही में कई अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। इस फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी को कुल मिलाकर 24 नॉमिनेशन मिले थे जिसमें से यह फिल्म 11 अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। फिल्म में देवी लाल सिंह नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है जो लोगों की छोटी छोटी मदद करते उसमें की ढूंढता है लेकिन उसे इसमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। एक बार वह पड़ोस की बच्ची झुमकी की जान बचाता है जिसे सीरियस बीमारी होता है। उसी बच्ची को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और लेकिन जब वह ठीक होकर स्माइल करती है तो इसमें देवी लाल सिंह को बहुत खुशी मिलता है। इसके बाद डॉक्टर के कहने पर वह ऐसे ही गरीब बच्चों की मदद करने के लिए अमीर और क्रप्ट लोगों के यह चोरी करना शुरू कर देता है। फिल्म रिलीज के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक इंटरव्यू में इस बात को खुलासा किया था कि वो इस फिल्म को हर हाल में करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद उनकी मार्टिंग वैल्यू बढ़ जाएगी और उनकी छोटी फिल्म भी चलने लगेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात सच में निकली और इस फिल्म ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ा स्टार बना दिया। इस फिल्म ने एक सीन्स में सलमान खान लेट बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती की फिल्म विश्वात्मा के गाने साथ सुंदर पार पर डांस करते नजर आते। आपको बता दें कि दिव्या भारती की फिल्म में
एक फिल्म के ही डायरेक्टर साजिद नेडियावाला की पहली पत्नी थी, जो महज 19 साल की उम्र में ही 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट देने के लिए साजिद नेडियावाला ने सारे गामा अपनी से इस गाने को राइटर्स 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। जैसे कि हमने बताया कि यह साउथ के फिल्म की रीमेक थी, जिसके रीमेक के राइटर साजिद नेडियावाला ने काफ़ी पहले खरीद लिए थे। सलमान खान से पहले साजिद नेडियावाला इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए रवि तेजा को कास्ट करने वाले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके अलावा शुरुआती के दौरान साजिद इस फिल्म का डायरेक्शन साउथ के जाने माने डायरेक्टर ए आर मुरुगादोस से करवाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टर करने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर का जिम्मा सिरिस कुंदर को दिया गया था, जो इससे पहले सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म जान ए मन और अक्षय के साथ ही फिल्म जोड़कर भी डायरेक्शन कर चुके थे, लेकिन बाद में उनके साजिद ने प्लान चेंज कर दिया और खुद ही इस फिल्म को डायरेक्टर करने का मन बनाया। सलमान खान से पहले डेविल के रोल के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार और सैफ अली खान से बातचीत की गई, लेकिन बाकी फिल्मों में बिजी होने की वजह से दोनों ने ही इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। बाद में ये रोल सलमान खान के पास आया। इनके अलावा जैकलिन फर्नांडिस से पहले दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और इलियाना डी क्रूज को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण से सभी ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। बाद में यह रोल जैकलिन फर्नांडिस के पास चला गया। फिल्म में सौरभ शुक्ला ने जैकलिन फर्नांडिस के पिता और सलमान खान के कादर इन ला का किरदार निभाया, जो असल में सलमान खान से महज टू साल की बड़े हैं। इस फिल्म में सलमान खान को पहली बार फ्रेंड दाढ़ी में देखा गया था। इससे पहले ये किसी भी फिल्म में फ्रेंच दाढ़ी में नज़र नहीं आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलमान खान और साजिद नेडियावाला इस फिल्म के सीक्वल किक टू पर भी काम कर रहे हैं और इस फिल्म का डायरेक्शन भी साजिद नेडियावाला ने ही करेंगे। यह फिल्म क्रिसमस 2021 के मौके पर रिलीज हो सकती है, नहीं तो 2022 में भी रिलीज हो जा उस 2022 में भी रिलीज हो सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का नाम डेविल भी फाइनल किया जा सकता था। कलाकार सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डायरेक्टर साजिद नेडियावाला के फिल्म की एक सलमान खान के बारे में दो बातें सिद्ध हो गई है कि वो अपनी फिल्में में मनोरंजक के साथ साथ संदेश की किक लगना जारी होंगे। जो जय हो में उन्होंने संदेश दिया था प्यार और भाईचारे का, इस बार वो फिर ब्रेजिंग हनीमून के ब्रांड एवेंसडर के साथ अपने
अपने टाइटल के इंटरटेनमेंट लेकर आए हैं कि देवीलाल सिंह में प्रेम का प्यार वाला चेहरा नजर आता है तो दबंग के चुलबुल पांडे और रॉबिन हुड पांडे की झलक भी साफ दिखाई देती है। फिल्म फुल टू धमाल है। साजिद नेडियावाला का निर्देशक भी जमा है। उन्होंने दिखा दिया है कि पैसे और एक्टर का कामयाब संगम कैसे किया जाता है। खास यह कि फिल्म में एक ही चीज है, सलमान खान। कहानी में कितना दम है, फिल्म की कहानी मजेदार है बिल्कुल। सलमान खान टाइटल प्रेमिका है, पुलिस वाला है, एक विलेन है और ढेर सारे इमोशन हैं। खास बात यह है कि जब फिल्म में सलमान खान का नाम आता है तो कहानी काफ़ी पीछे छूट जाते हैं, लेकिन किक में ऐसे नहीं लगता कि साजिद नेडियावाला ने पूरी कोशिश की है कि वो कहानी कई दिलचस्प मोड़ लेकर आते हैं। कमेडी का तगड़ा भी है, अच्छे गाने भी है, सितारे को अच्छी एक्टिंग भी है, यानी पूरी तरह से इंटरटेनमेंट है और कहे तो फैमिली इंटरटेनमेंट। साजिद नेडियावाला ने बहुत ही होशियार के साथ सारा काम किया है। उन्होंने फर्स्ट हाफ को कॉमेडी भरा रखा है तो दूसरा पार्ट एक्शन और कई सरप्राइजों से पटा पड़ा है। फिल्म में हर सितारे को अपना मजबूत बावजूद है। देवी लाल सिंह के पिता के रूप में मिथुन चक्रवर्ती धमाकेदार रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर संजय मिश्रा भी गुदगुदाते हैं। साइना यानी जैकलिन फर्नांडिस के किरदार में सौरभ शुक्ला भी दिलचस्प है। सलमान खान पूरी फिल्म में कमाल है, चाहे डेविल के रोल में हो या लाल सिंह के, उन्हें देखकर मज़ा आता है। लेकिन जिस शख्स पर पूरी फिल्म में इंतजार रहा है वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। नवाज ने सिद्ध कर दिया है कि अगर उन्हें बड़े बैनर्स में मौका मिलता रहा तो वो अच्छे के पसीने छुटा देंगे। फिल्म में वो गदर लगे हैं। जैकलिन भी बतौर एक्टर उभर कर सामने आई है। उनकी एक्टिंग अच्छी है, हसीन तो वो ही है। इसके अलावा उन्होंने जुम्मे वाले गाने को इतना जबरदस्त डांस किया है कि बॉलीवुड का टॉप हीरोइन को ईर्ष्यरसक हो जाएगी। किक बड़े बजट वाली फिल्म है। सिनेमा हॉल में जिस तरह की भीड़ टूट के पड़ी है उसे देखकर यह हाफ हो जाता है कि फिल्म को सैकड़ों करोड़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बात अब यह है कि फिल्म 200 या 300 करोड़ रुपए के क्लब में अपनी मौजूदगी दर्ज करती है या नहीं, क्योंकि इसमें हर वो मसला है जो फुल इंटरनल बनती है। हर तरह के ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्ट है और फिर ईद का मौसम है। सलमान खान ने अपने फिल्म ईद के तोहफा दिया है। सब कुछ
सब कुछ उन्हें चाहने वाले पर बनाते हैं। सलमान खान की दबंग बॉडीगार्ड एक था टाइगर और जय हो का एक्टर एक्सटेशन कहते हैं कि का डेविल अपने आप को धूम की याद दिलाता है। तो जय हो में सलमान खान ने बेजिंग हुमन को हनीमून को भी हुमन को भी अपने किरदार से जुड़ा है। बेशक शुरू से आखिर तक पूरी सलमान के कंधों पर टिकी है। धूम के जिस किरदार में अभिषेक बच्चन बार बार कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही किरदार में रणदीप हुड्डा ने जान डाल दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब भी सलमान खान के सामने आए, हाल में बैठे दर्शकों की जमकर वाहवाही लूटी। वह इस फिल्म में सलमान खान का एक डायलॉग है, मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। अगर दो शब्दों में कही जाए तो सलमान खान ने इस छोटी सी बातें में इस फिल्म और अपने किरदार के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। अगर देखने जाए तो दिल लगाकर देखिए तो इंजॉय करेंगे। अगर दिमाग लगाए तो सेंटेंस लेकर बाहर आए, आपकी आंखों को भुलाने वाली बेहतरीन लोकेशन, हैरत अंगेज स्टंट एक्शन सीन्स भी भरमार आइटम नंबर वन का तड़का। इस फिल्म में ऐसा हर मसला मौजूद है जो बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म को सुपरहिट करने का दम रखता है। बेशक किक इस ईद पर सलमान खान को उनके फैंस को मोटी ईदी दिलवाने का दम रखती है। और हाँ, अगर आप इस फिल्म को फुटबॉल में लगने वाली किक से जोड़ रहे हैं तो आप गलत हैं कि यह किक की जैसे कोई चाहता है कि करीब 4000 स्क्रीन पर रिलीज की अब तक की सबसे बड़े पैमाने पर रिलीज हुई फिल्म जो है और फिल्म जो ओवरसीज में भी 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई। फिल्म को जिस क्लाइमैक्स के साथ ख़त्म किया गया था उससे यही लगता है कि अगर आने वाले दिनों में यशराज बैनर की धूम सीरीज की तर्ज पर मीडिया वाला की किक सीरीज स्टार्ट होगी। कहानी दिल्ली का देवीलाल उर्फ डेविल सलमान खान जीनियर्स हैं। डेविल अपनी लाइफ में हर पल नया रोमांस चाहता है। दिल्ली का सड़कों पर 3 व्हीलर चलाने के वाले देवी की लाइफ में टर्न उन वक्त आता है जब उनकी मुलाकात डॉक्टर सान्या जैकलिन फर्नांडिस से होती है। सान्या देवी लाल की अजीब अजीब हरकतें देखकर हैरान हैं। अपने पापा मिथुन चक्रवर्ती और साथ ही टल्ली होने तक दारू पीने वाली इस बाप बेटे को जोड़ी को सान्या बेहोश की हालत में घर छोड़ने जाती है। यहीं पर देवी लाल की माँ अर्चना पूरन सिंह से मिलकर सन्या को दारू में टल्ली रहने वाले देवीलाल का दूसरा रूप दिखाई देता है। देवी का अब तक की 32 से ज़्यादा नौकरियों छोड़ चुका है। हर बार उसका नौकरी छोड़ने की वजह से सही की का नाम मिल पाना होता है। कुछ मुलाकातों के बाद सन्या
कुछ मुलाकातों के बाद सन्या को देवी और देवी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह चाहती है कि देवी अपने करियर पर ध्यान दे। सन्या चाहती है कि देवीलाल कहीं टिक कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके बाद इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। देवी और सान्या को अलग अलग हुए। एक साल बीत चुका है। सान्या के पापा सौरभ शुक्ला अब अपनी बेटी की शादी जंबाज पुलिस ऑफिसर हिमांशु इत्यादि रणदीप हुड्डा से तय करते हैं। रणदीप हुड्डा से तय करते हैं। एयरपोर्ट पर हिमांशु और सान्या मिलते हैं। पहले मुलाकात में हिमांशु सान्या को बताता है कि उसे लंबे उर्से से खतरनाक चोर डेविल की तलाश है, जो हर बार उसे उसे चकमा देकर करोड़ों की चोरी करके फरार हो जाता है। यहीं शुरू से होता है चोर की पुलिस के बीच का लंबा का खेल, जो आखिर तक चलता है। हिमांशु सान्या और डेविल की इस कहानी में एक अहम किरदार रॉस्ट होम मिनियर का दीपन शर्मा के भतीजे शिव नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी, जिसने बरसों पहले देवीलाल को डेविल बनने पर मजबूर किया। एक्टिंग देवीलाल और डेविल दोनों ही किरदार में सलमान खान को सौंपी दी है। परफेक्ट है। जय हो में कुछ कुछ सुझाव से नजर आए सलमान खान इस बार फ्रेश और सौंपी दी एनर्जी के साथ स्क्रीन पर है। एक्शन डांस और एक्टिंग तीनों ही फील्ड में सलमान खान नंबर वन है वन रहे हैं। रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अपने अपने किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाया। फिर भी वीर के बाद एक बार फिर सलमान खान के पापा बने मिथुन चक्रवर्ती। बस ठीक ठाक रहे अर्चना पूरन सिंह ने वही कुछ किया जो कॉमेडी शो में करती नजर आती है। जैकलिन फर्नांडिस के करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसके बावजूद जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर सान्या का किरदार को कहीं कमजोर नहीं पड़ने दिया। डायरेक्शन साजिद नेडियावाला ने कंप्लीट होमवर्क के बाद ही डायरेक्शन की फील्ड में आए, लेकिन न जाने क्यों क्लाइमेक्स में बेवजह लंबा खींचा। एक्शन एस्टन सिंस का जवाब नहीं, वही तारीफ की करनी होगी कि उनकी सलमान के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दिल्ली और विदेशों में लोकेशन पर साजिद ने कैमरामैन से बेहतरीन काम लिया। फिल्म के दो गाने मैनू यार ना मिले तो मर जावा और जुम्मे की रात है पहले से ही फिल्म के बाकी गानों का फिल्मांकन भी बेहतरीन हुआ। सलमान खान के फैंस है टेंशन लेने नहीं, टेंशन भगाने और इंटरटेनमेंट करने के मकसद से थिएटर जाते हैं तो सलमान खान की किक आपको जरा भी अपसेट नहीं करेगा।
सलमान खान सर की फिल्म किक आपको जरा सा भी अपसेट नहीं करेगी। हाल ही से हटकर और बार कुछ नया देखने वाली क्लास के लिए किक में ज्यादा दम नहीं है। भारतीय अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका अभिनेत्री है। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंकाई मूल की भारतीय अभिनेत्री एवं मॉडल हैं जो हिंदी फिल्मों में कार्य करते हैं। वो 2006 की मिस श्रीलंका यूनिवर्स रह चुकी है। उन्हें 2010 का सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का आईफा से स्टारडम पुरस्कार फिल्म अलादीन के लिए प्रदान किया गया था। उन्होंने अपने करियर की अलादीन फिल्म से 2009 से की थी, जबकि उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में भी कार्य किया है, जिसमें सलमान खान के साथ किक 2014 में और राय जैसे फिल्मों में कार्य किया है। डेविड धवल की निर्देशित फिल्म जुड़वा 2 में वरुण धवन के साथ भी दिखाई दी थी। सलमान खान ने साफ साफ कह दिया है कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं आता, लेकिन जब बात जेब से पैसा जाने की होते तो दिल के बजाय दिमाग से सोचना हमेशा समझदारी भर होता है। अगर सलमान खान से आपको दिल लगा है तो किक के बारे में सुनने जाने का कोई मतलब नहीं है, मगर आप दिमाग से सोचते हैं तो और अपने पैसे की कद्र करते हैं तो विश्वास कीजिए कि इस फिल्म से आपको किक नहीं मिलने वाली। किक की यानी सीधे साधे अर्थों में आह वाह टाइप पैसों वसूल मजा सलमान की तसर्दी यह है कि उनकी जिंदगी और फिल्मों किसी रियलिटी शो की तरह हो चुकी है। दोनों गड्डू मंडू है। असल जिंदगी में सलमान पर्दे पर दिखने वाले हीरो के जैसे हरकतें बातें करते हैं और फिल्मों में उन हरकतें बातों की सफाई देते फिरते हैं। हाल के वर्षों में वह अपनी फिल्मों में निजी जिंदगी के तमाम एजेंट प्रोमेंट करते दिखे हैं। यही किक में है, इसलिए फिल्म में एक एक्टर उनके बारे में कहता है कि वह ह्यूमन बाजार की सिद्र से भले यही सफल स्वाद लगे, मगर काला का दृष्ट से यह चुटकुला है जो सलमान खान को हंसी का पत्र बना देता है। सलमान की अपनी हर फिल्म में इमेज चमकाने के प्रयास करते हैं। उनकी कोशिश मसीहा या दरवेश दिखाने की कहती है। उनके समांतरण शाहरुख खान और आमिर खान अपनी फिल्मों में अलग से कुछ नहीं करते, बल्कि ऐसे रोल करते हैं कि इमेज खुद ब खुद चमक जाती है। की कहानी देवीलाल सलमान खान की है, जिसे जिंदगी में जोखिम भर काम करने में ही मजा आता है। अर्थ की मिलती है, इसलिए वही नौकरी नहीं कर पाता है। उसकी मुलाकात एक मनोचिकित्सा साइना जैकलिन फर्नांडिस से होती है और हाँ ना हाँ के बाद उन्हें प्यार हो जाता है।
लड़की का पिता बड़ा ब्यूरोक्रेट है और देवी पर तंज करता है, कसता है उसकी हालत देखकर लगता है कि वह शादी के बाद घर जमाई बन जाएगा। नाराज देवी सायना से कहता है कि अगर पैसे कमाना ही कामयाबी है तो फिर आज से उसकी सिर्फ पैसा बनाना है। वह करोड़ों अरबों का अंबार लगा देगा। देवी लाल सिंह देविल बना जाता है, अमीरी को लुटाता है। डेविल को पकड़ने का काम पुलिस अधिकारी, महसूल, हिमांशु इत्यादि रणदीप हुड्डा को मिला है, लेकिन डेविल हमेशा उसे मात दे जाता है, क्योंकि क्या त्यागी कभी डेविल को पकड़ सकेगा या फिर हमेशा ही उसे हार मिलेगी। सलमान खान भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता जो बॉलीवुड फिल्म में दिखाई देते हैं। इन्होंने सन 1988 में अभियान की दुनिया में अपनी पहली फिल्म बीबी हो तो ऐसी से शुरू की थी। सलमान को पहली पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता 1989 में रिलीज हुई मैंने प्यार किया से मिली थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवीन पुरस्कार अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। वो बॉलीवुड के कुछ सफल फिल्मों में स्टार कलाकार की भूमिका करते रहे हैं, जैसे साजन 1991, हम आपके हैं कौन 1994, हम साथ साथ हैं बीबी नंबर 1 1999, और ये ऐसे फिल्म थी जिन्होंने उनके करियर के 5 अलग सालों में सबसे अधिक कमाई की थी। 1999 में खान ने 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है में उनकी अतिथि भूमिका के कारण फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार जीता, और तब से उन्होंने कई आलोचनात्मक और व्यावसायिक फिल्मों में स्टार के रूप में सफलता प्राप्त की है, जिनमें हम दिल दे चुके सनम 1999, तेरे नाम 2002, 2003, नो एंट्री 2004 और पार्टनर 2007 शामिल है। 2017 में टाइगर जिंदा है 2017 में टाइगर जिंदा है ने कमाई के मामले में नया इतिहास बनाया। इस तरह खान के खुद को जिंदगी सामने सामने कर दिया था। अभिगमन स्थित 5 दिसंबर 2007 को प्रमुख अभिनेताओं में से सबसे महान अभिनेता की छवि बनाई। बाद में बनी फिल्म वांटेड 2009, दबंग 2010, रेडी 2011 और बॉडीगार्ड 2011 उनकी फिल्म सीने जगत सर्वाधिक कमाई वाली फिल्में रही। किक 2014 फिल्म सलमान की पहली फिल्म है जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। किक सलमान खान की 7वीं फिल्म है जो 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। इससे पहले 6 फिल्में 100 करोड़ की क्लब को शामिल कर चुकी है। एकता टाइगर उन्हें 198 करोड़ और दबंग 2 158 करोड़, बॉडीगार्ड 142 और दबंग 145 करोड़, रेडी 2011 फिल्म 120 करोड़, जय हो फिल्म 111 करोड़ की कलेक्शन की थी। मुख्य सूचना सलमान खान एक भारतीय अभिनेता के साथ साथ गायक भी हैं, जिन्हें कई सुरीली आवाजों में गाने भी गाते हैं। खान का कथानायक सलीम खान और उनकी पहली पत्नी प्रथम नाम सुलीला चरण सलमान के ज्येष्ठ पुत्र हैं।
सलमान ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके दादा अफगानिस्तान से आकर भारत में मध्य प्रदेश में बस गए थे। उनके मराठी हिंदू है। खान ने एक दफा खुद ही कहा है कि वो आधे हिंदू व आधे मुस्लिम है। उनकी सौतेली माँ हेलेन एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री है, जिन्होंने उन्हें साथ कुछ फिल्मों के साथ काम किया था। उनके दो भाई अरबाज और सुहेल खान, बहन अलवीरा और अप्रीता हैं। अलवीरा की शादी अभिनेता निर्देशक अतुल अग्निहोत्री से हो चुकी है। खान ने अपने भाइयों अरबाज व सुहेल की तरह बंद्रा स्थित स्टेशनी लाइस हाई स्कूल से माध्यम से अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की। इससे पहले उन्होंने ग्वालियर स्थित सिंधिया स्कूल में अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्ष पढ़ाई की। सलमान खान की ने अपने अभियान की शुरुआत 1988 में फिल्म बीबी हो तो ऐसी से शुरू की। उन्होंने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई बॉलीवुड फिल्म में। उनकी पहली प्रमुख भूमिका सूरज आर भट्टाचार्य की रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया 1989 में थे। 1989 में थी यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। एक फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के लीड रोल में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त हुआ। 1990 में खान की केवल एक फिल्म रिलीज की गई जिसका नाम बागी आर रिवेल फॉर लव। फार में दक्षिणी भारत की अभिनेत्री नागमा मुख्य भूमिकाओं में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और बाद में वर्ष 1991 में इसके लिए सफल वर्ष साबित हुआ था, जब इन्होंने लगातार 3 वर्ष हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जिनमें से शामिल है प्रभा में ही बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों में जबरदस्त सफलता के बावजूद 1992-1993 में रिलीज हुई इतनी तमाम फिल्में सफल रही थी। सूरज भट्टाचार्य के निर्देशक में दूसरी बार सहयोग करने के रोमांस फिल्म हम आपके हैं कौन में सहकलाकार माधुरी दीक्षित के साथ साथ खान ने 1994 में अपनी पहली सफलता के इतिहास पुनः दोहराया। उस साल की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और बॉलीवुड में सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता के अलावा इस फिल्म के दूर दूर से प्रशंसा मिली थी। खान को भी उसके प्रदर्शन के लिए तारीफ मिली थी, जिसके चलते उन्होंने दूसरी बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार के लिए जान नामांकन मिला था। उस वर्ष खान की भूमिका वाली तीन और फिल्म रिलीज हुई, लेकिन किसी ने भी इतनी सफलता नहीं दिलाई जितनी की पहली वाली फिल्म ने दिलाई थी। हालांकि सहकलाकार आमिर खान के साथ इनकी फिल्म अंदाज अपना अपना के रिलीज होने के बाद से इनके प्रदर्शन के लिए इन्हें प्रशंसा मिल गई थी। 1994 में इन्होंने राकेश रोशन के ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन से अपनी सफलता के मजबूत किया, जिसमें शाहरुख खान इनके सहकलाकार थे। यह फिल्म वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और इसमें करण की भूमिका अपने
उसके नाम को एक बार फिर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित कर दिया गया था, जिसमें करण अर्जुन के सह कलाकार शाहरुख खान यह पुरस्कार दे दिया गया था। 1996 के बाद दो सफल फिल्में दी है, इनमें से पहली संजय लीला भंसाली की दिलचस्प दिशात्मक शुरुआत खामोशी द म्यूजिक थी, जिसमें सह कलाकार के रूप में मनीषा कोरला नाना पाटेकर और सीमा विश्वास थी। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, फिर भी समीक्षकों द्वारा सराही गई। इनकी अगली सफलता सनी देओल और करिश्मा कपूर के साथ राज कंवर की एक्शन हिट फिल्म जीत से रही। 1997 में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई। पहली वाली फिल्म डेविड धवन के निर्देशक वाली हास्य फिल्म थी, जिसमें जन्म के समय बीच छूट जाने के कारण दोहरी भूमिका निभाई थी। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्में का काम किया है, जिसके उनकी पहली रिलीज पर रिलीज प्यार किया तो डरना क्या वर्ष की सबसे बड़ी सफलता फिल्म साबित हुई थी। इसमें इतनी सहकलाकार काजल थी। इसके बाद साधारण सी सफलता दिलाने वाली इनकी फिल्म जब प्यार किसी से होता है आई खान ने उस युवा पुरुष के भूमिका निभाई थी जिसे ऐसे बच्चे को संरक्षण में रखना है तो उसका बेटा होने के दावा रखता है। इस फिल्म में खान का प्रदर्शन उनके लिए सकारात्मक सूचना एवं उनके आलोचकों से इनके पक्ष में खबरें लेकर आया। वे करण जौहर के निर्देशक वाली पहली फिल्म कुछ कुछ होता है कि चक्कर काटते रहे शाहरुख खान और काजल के साथ सहकलाकार के रूप में इन्होंने केवल अमन की भूमिका करने वाले कैमियो के तक की बढ़ पाई, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद सिद्ध हुई, क्योंकि उनके प्रदर्शन के उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता की श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार दिला दिया। 1999 में खान ने 3 हिट फिल्म्स हम साथ साथ है में भूमिका निभाई, जिन्होंने तीसरी बार सूरज बड़जाते के साथ साथ संबंधों की मजबूती किया। BB No. 1 उस साल की सबसे बड़ी फिल्म रही। हम दिल दे चुके सनम ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और इस फिल्म ने इन्हें एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित करवा दिया था। सन 2000 में इन्होंने 6 फिल्में में काम किया जो आलोचकों से दृष्टि में व्यापार करने में असफल रही। इनमें से 2 फिल्म कुछ सफल रही, जैसे हर दिल जो प्यार करेगा और चोरी चोरी चुपके चुपके, और इन दोनों में रानी मुखर्जी और प्रीति चिंटा इनकी सहकलाकार थी। वर्ष 2001 की देर से रिलीज होने वाली इनकी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में इनमें प्रदर्शन की सराहना की गई। सरोगेट चाइल्ड बर्थ के मुद्दे को सुलझाने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसमें खान के एक धनी उद्योगपति के भूमिका निभाई थी, जो अपनी पत्नी के बांझा होने के बाद एक सरोगेट मदर किराए पर रख लेता है। आलोचकों ने इनके साथ रुख को गंभीर भूमिका के प्रीति लिया है, जिसमें
जिसमें इन पहले की भूमिकाओं की तुलना में अधिकांत पौनापन दिखाई दिया। वर्ष 2002 में इन्होंने विलंब से रिलीज होने वाली फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर अर्थ हिट रही। खान की अगली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होती रही, जब उन्होंने 2003 में तेरे नाम फिल्म से अपनी वापसी की वापसी नहीं की इस फिल्म से बहुत कमाई की गई और इसके आलोचकों ने इसके प्रदर्शन की तारीफ की, जिसमें तरण आदर्श नामक फिल्म में टी की टर्च पर बनी इस फिल्म में सलमान खान ने अच्छा अभियान किया। वह क्रम में अब अग्नि को सांस के रूप में ग्रहण करता है, जिससे परेशान होती है, लेकिन बाहर मुश्किल हालात में रहने वाला एक संवेदनशील व्यक्ति बाद में सबसे आगे आगे आ जाता है। उनका भावनात्मक रूप से चिल्लाहन बेहद शानदार रहा। इनमें मुझसे शादी करोगी 2004, नो एंट्री 2005 जैसी हास्य फिल्म के द्वारा बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता जारी रखी। वर्ष 2006 में इनके लिए अत्यधिक सफलता का वर्ष रहा, जिसमें इनकी फिल्म जाने मन और बाबुल दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पीट गई। खान के वर्ष 2007 में शुरू हुई सलमान खान एक फिल्म से की जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा न कर सकी, उसकी अगली रिलीज पार्टनर की बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कार्य किया और ब्लॉकबस्टर भी छवि दिलाई उनके इसके बारे इसके बाद वो हॉलीवुड में एक एक मूवी के मेरी गोल्ड एंड एवेंस एवेंस एवेंचर इन इंडिया अमेरिका महिला कलाकार अल्टी अली आर्टर के साथ दिखाई दिए थे। एक भारतीय आदमी और अमेरिकी महिला की प्रेमी कहानी बताने वाली यह फिल्म व्यापार और आलोचकों की दृष्टि से एक बड़ी सफलता रही। वर्ष 2008 में खान ने अपनी गेम शो दस का दस के साथ छोटे पर्दे पर उतरे। अंतर्राष्ट्रीय शो पावर ऑफ टेन पर आधारित था। की कहानी में कोई सिरे ऐसे हैं जिनमें कोई तर्क नहीं मिलता, जो जो कहानी में गैर जरूरी होते हैं, चूंकि किरदारों को ढंग नहीं गया है और न ही उनकी भावनाओं को उभारा गया है। ऐसे में वो सस्ते चाइनीज माल की तरह लगते हैं। फिल्म के लेखकों ने सलमान को चमकाने के चक्कर में कलम घसीट घसीट कर उन्होंने दृश्य को खूब खींचा है। फिल्म में सलमान खान ने इंट्रोडक्शन सीन की ही बात करें तो यह ऐसे चलता है कि मानो दुनिया भर की पहली बार सलमान को देख रही है। उन दोनों को जिस चीज के बारे में नहीं पता होता वह यह कि उन दोनों के बीच एक चीज सामान है और वह है यादस्त खो जाने का बहाना करके वह एक बार फिर लौटता है। इन सब के पीछे एक गहरा रहस्य है और मिशन है, जिसके पीछे डेविल अपनी जिंदगी खोने के तैयार है। साजिद मीडिया वाला द्वारा निर्देशित फिल्म की एक 2014 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज एक्शन हिट फिल्म अपने
अपने नेडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट बैनर के तहत साजिद नेडियावाला द्वारा निर्मित और निर्देशित यह 2009 के तेलुगु फिल्म इसी नाम का रीमेक है। फिल्म में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस, दीपिका हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। पाठक कथा नेडियावाला और चेतन भगत द्वारा रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म ईद उल फित्र 25 जुलाई 2014 को दुनिया भर में लगभग 5,000 से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म में साइना मेहरा, जैकलिन फर्नांडिस, मनोचिकित्सा वर्षा में रहते हैं पोलैंड। उसके पिता ब्रिजेश मेहरा सौरभ शुक्ला एक शादी का प्रस्ताव लाते हैं और उसे हिमांशु या त्यागी रणदीप हुड्डा से मिलने के लिए कहते हैं। हिमांशु और साइना एक ट्रेन में मिलते हैं, जहां साइना बताती है कि उसका देवीलाल सिंह सलमान खान नाम का एक पूर्व प्रेमी था और उसके साथ अपने पागल पागल अनुभव के बारे में बात करता है। देवी एक वृद्धिमान साहसी व्यक्ति है जो हमेशा अपने जीवन में की तलाश में रहता है। जब इस साइना देवी से मिलती है तो वह अपने दोस्त विधि सुमोना चक्रवर्ती की मदद करने की कोशिश कर रही है, जो अपने प्रेमी के साथ है, जो देवी की दोस्त है। देवी ने उसकी शादी एक मंदिर में करवा दी, लेकिन उनकी माँ उनकी मदद करती है और की के लिए मंदिर पहुँचती है। साइना की मुलाकात देवी के पिता रतन लाल सिंह मिथुन चक्रवर्ती और उनकी माँ रति अर्चना पूरन सिंह से होती है। देवी और साइना तारीख और प्यार में पड़ जाते हैं। साइना के सुझाव पर देवी ने एक रासायनिक प्रयोगशाला में नौकरी स्वीकार कर ली है, लेकिन की कमी से पीड़ित कुछ दिनों में इस्तीफा दे दिया। साइना उसे डांटती है और देवी उसके साथ टूट जाती है और दूर चली जाती है। एक पुलिस अधिकारी हिमांशु एक चोर के साथ अपने अनुभव को साझा करता है, जिससे वह नफरत करता है क्योंकि वह उसे रोक नहीं सकता और नहीं रो, वो रोक नहीं सकता है। डाकू जिसे डेविल कहा जाता है, एक भ्रष्ट व्यवसायी शिव गजर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े लोगों को निशाना बनाता है और उन्हें लूटता है। डाकू कोई और नहीं बल्कि देवी है। जब हिमांशु सौतान को पकड़ने में असफल होता है तो देवी हिमांशु से संपर्क करता है और उसे एक साथी के रूप में संभर्ती करती है और उसे एक हारे हुए व्यक्ति का अपमानित करती है, जो वास्तव में एक सुराग है जिसे देवी हिमांशु देती है। पोलैंड में साइना देवी को स्पॉट करती है, जो एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खोने के बाद इलाज के लिए वहां आई है। साइना देवी के मामले को संभालने और उसे घर ले जाने की पेशक करती है। देवी अपनी स्मृत हानि के बारे में कम कर रही है। उसकी असली योजना हिमांशु से दोस्ती करने और शिव को लूटने की है, जो पोलैंड आ रहा है। देवी एक चैरिटी एक्शन में जाती है और शिव को लूट लेती है, लेकिन हिमांशु और साइना
साईनाथ देवी की असली पहचान पता लगाते हैं और देवी बच जाती है। हिमांशु ने देवी को स्पष्ट किया और उसे चेतावनी दी कि उसे मार दिया जाए, लेकिन देवी का कहना है कि वह 14 नवंबर को एक बड़ी पार्टी फंड लूट लेगी। देवी ने 14 तारीख को हिमांशु की हत्या करने की हिम्मत की अनाथा। देवी उसके सामने 15 नवंबर को खड़ी होगी और वह कुछ नहीं कर पाएगी। एक फ्लैशबैक में देवी को सच्चे इरादे और इच्छा कामों का खुलासा रतन लाल ने किया। वह साइना से कहता है कि उसका बेटा उन गरीबों बच्चों की मदद करने के लिए डकैती करता रहा है जो बीमारियों से पीड़ित है। देवी ने उन अपने माता पिता के हाथों में एक पत्र पढ़ने के बाद झुमकी नामक एक लड़की को बचाया और जब वह उस पर मुस्कुराया तो उसे सबसे शक्तिशाली किक मिला। जब एक डॉक्टर से उसे बताता है कि कई बच्चे बीमारियों से पीड़ित है तो वह उन्हें अपने उपचार के लिए पैसे पाने के लिए लूटने से बचता है। यह जानकर कि वह बहुत किक देगा 14 नवंबर को शिव ने गुर्गो से लड़ने के बाद देवी शिव को मार देती है। हिमांशु को देवी को गोली मारने के लिए अधिकारियों के साथ खड़ा किया था, लेकिन बच्चों ने उसके शॉट को ब्लॉक कर दिया। 14 नवंबर बाल दिवस है और बीमार बच्चे देवी के लिए प्रार्थना करने जा रहा है, जिसके बाद हिमांशु को पता चला कि डकैती बच्चे के लिए थी। 15 नवंबर को देवी को पकड़ने के लिए देवी पुलिस बाल में शामिल हो जाती है। वह थाने पहुंच जाती है और हिमांशु के सामने खड़ा होता है, जो स्थिति के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ होता है, इसलिए अपनी चुनौती की पूरा करता है। हिमांशु को मामले से हटा दिया जाता है और यह देवी को दिया गया, जो अब एक पुलिस अधिकारी है। तब देवी ने हिमांशु को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह कभी भी उनके खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है। एक्टर सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की एक्शन ड्रामा फिल्म की को प्रशंसक को काफ़ी प्यार मिला था। यह तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक्स थी। लंबे समय से किक टू को लेकर कई खबरें आ रही है, लेकिन इसकी अधिकारियों की घोषणा अब हुई है और इसकी घोषणा फिल्म के निर्माता और निर्देशक मीडियावाला ने किया है। हाल ही में घोषणा हुई है कि सलमान खान के साथ एक बार फिर से जैकलिन फर्नांडिस उनके ऑपोजिट साइड में नजर आने वाली है। खबरों से यह भी पता चला है कि अभिनेता करण आनंद भी इस फिल्म का फिर से हिस्सा बनने वाले हैं। किक में भी करण आनंद के किरदार निभाया था, जिसके बाद उनके किक टू में नज़र आने की उम्मीद नज़र आ रही थी। वहीं खबरों की मानो तो करण फिल्म से दूर पार्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे। हालांकि निर्माताओं द्वारा कुछ भी स्थापित नहीं किया गया। वहीं जब इस बारे में करण आनंद से पूछा गया था, तब उन्होंने भी इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
फिल्म गुंडे से बॉलीवुड में अपने करियर की सफलता शुरुआत करने वाले करण आनंद को हाल ही में लॉकडाउन पर आधारित फिल्म आईना में देखा गया था। कुछ समय पहले उन्होंने वेब फिल्म इट्स ओवर की शूटिंग खत्म है जो बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। भारतीय एक्टर दबंग खान यानी सलमान खान की तुलना 70 और 80 के दशक की वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से की जा सकती है कि उनकी टीम के कप्तान क्वाइल लायड थे और उन्होंने अपनी कप्तानी में वेस्ट इंडीज को इस मैच में जिताए। कई लोग लायड को महान कप्तान नहीं मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि वेस्ट इंडीज टीम की इतनी मजबूती की खिलाड़ी है कप्तानी करे तो यह टीम मैच जीत जाती है। सलमान खान के स्टारडम का पावर भी इंडीज टीम जैसे निर्देशक कोई भी फिल्म सुपरहिट हो जाती है। यही वजह है कि उनके साथ काम करने वाले दोयम दर्जे निर्देशक अरबाज और सहेल खान भी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। सोचिए कि यदि सलमान खान को बेहतर निर्देशक के साथ मिले तो क्या कमाल हो सकता है। वही साजिद नेडियावाला को भी वर्षों का निर्माता रहने के बाद निर्देशक खुजली होने लगी तो उन्होंने सलमान जैसे सुरक्षित सितारे के साथ ही निर्देशक के मैदान में पहले बार उतरना रुचित समझा ताकि उनकी सारी ऐप छिप जाए क्योंकि सल्लू के फैंस तो सलमान को देखने आते हैं और उन्होंने निर्देशक कहानी अभिनय को कोई मतलब नहीं होता। दरअसल सलमान खान को साइन करते ही निर्माता निर्देशक के साथ जैकपॉट लग जाता है। कुछ भी बना दो उनके फैंस को फिल्म पसंद आ जाती है। लिहाजा सारा ध्यान फिल्म के बजाय सलमान शो बनने में लग जाता है। किक में भी चारों तरफ सलमान खान है। हर फ्रेम में सलमान खान के लिए जगह बनाई है। फिल्म के अन्य किरदार भी सलमान के संवादों पर प्रतिक्रिया देते हैं। निर्देशक और निर्माता के रूप में साजिद नेडियावाला ने सलमान खान को खूब फोकस किया ताकि उनके प्रशंसकों का पेट भर जाए। लेकिन बच्चे खुजे लोग जो एक अच्छी और मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं उनकी अपेक्षाओं पर किक फिल्म खरी नहीं उतरती। तेलुगु फिल्म किक 2009 की हिंदी रीमेक किक में कहानी जैसी कुछ नहीं है। देवीलाल सलमान खान बहुत जल्द ही बोर हो जाता है। उसे हर काम में किक थ्रिल चाहिए। पचासों जॉब उसने छोड़ दिए हैं। वह बहुत ही होशियार है। पैदा होते ही लेडी डॉक्टर को आँख मार दी थी। पहले वहाँ हंसा फिर भी रोया। लैपटॉप कीबोर्ड को 180 डिग्री घुमाकर टाइप कर लेते हैं। दोनों हाथों से लिख लेते हैं। टेबल टेनिस में वह सामने खेल रहे दो खिलाड़ियों को अकेला दोनों हाथ से खेलते हुए
हरा देते। पढ़ाई में होशियार, स्कूल में फर्स्ट, कॉलेज में फर्स्ट, कुछ अजीब आदतें भी है। टैलेंट में सिर बाल बड़ा होकर सुसु करता है। देवीलाल के ये सारे गुण एनिमेशन के सहारे दिखाई देते हैं। और फिल्म से बढ़िया ये लगते हैं कि साइना जैकलिन फर्नांडिस नामक डॉक्टर पर देवीलाल का दिल आ जाता है, और साइना पहले उससे चिढ़ती है, फिर मान जाती है। साइना के पिता चाहते हैं कि उनका होने वाला दामाद ढंग की नौकरी करें। देवीलाल मान जाता है, लेकिन 4 दिन में नौकरी छोड़ देता है। यह बात उसके उसके और साइना के बीच ब्रेकअप का कारण बन जाती है। साइना और देवीलाल एक साल से नहीं मिले हैं। साइना के लिए उसके उसके घर वालों एक एक लड़का हिमांशु रणदीप हुड्डा ढूंढते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है। साइना उसे अपने अफेयर के बारे में बताती है। हिमांशु पुलिस ऑफिसर हैं। वह भी बताता है कि वह डेविल नामक एक चोर को ढूंढ रहा है, जो उसके हर बार चुनौती देता है और करोड़ों की चोरी करता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि डेविल कौन है, वह चोरी क्यों कर रहा है। क्या साइना और देवीलाल एक होंगे? इन सवालों के जवाब फिल्म के आखिर में मिलते हैं। फिल्म का पहला हाफ हास्य और रोमांस को समर्पित है। सलमान खान का दोस्त भाग भाग कर शादी करता है, जिसमें सलमान खान की उसकी मदद करता है। यह प्रसंग बेहद लंबा और खींचा गया है। खूब हंसाने की कोशिश इस सीन में की गई है, लेकिन हंसी नहीं आती। इसके बाद सलमान खान का अपने अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती के साथ शराब पीना, टुन होकर जैकलिन की मदद से घर लौटना। घर पर जैकलिन की सलमान की माँ से मुलाकात वाले सीन भी बेहद उबाऊ है। इन दोनों घटनाक्रमों को बहुत बहुत ही लंबा खींचा गया है। साथ ही ये सीन इतनी सती सती कि दर्शक इन इनसे जुड़वा महसूस नहीं कर पाता। सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस का रोमांस और ब्रेकअप भी बेहद सतही है। जैकलिन फर्नांडिस अचानक सलमान को पसंद करने वो लगती है, और बिना किसी ठोस कारण के दोनों को ब्रेकअप हो जाता है। दर्शक बेचारे अचंभित ही रह जाते हैं कि इनमें प्यार क्यों हुआ। यदि हुआ तो फिर दोनों अलग क्यों हुए। सेकेंड हाफ में एक्शन को संपीर्त है। सलमान खान, कृष्णा और धूम सीरीज की फिल्म जैसे जैसा एक्शन करते हैं, लेकिन थ्रिलर नदार्द है। पुलिस को तारीख, समय और ठिकाना बताकर सलमान खान चोरी करता है। इस चैलेंज के बिल्कुल भी मजा नहीं आता, क्योंकि सलमान खान 500 करोड़ों भी इतनी आसानी से चुरा लेते हैं, मानो बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप लेना लेना हो। भारतीय पुलिस तो फिल्म में
निकम्मी दिखाई ही जाती है, लेकिन पोलैंड पुलिस का भी वही हाल दिखाया गया है। फिर सलमान खान भी हर बार पुलिस ऑफिसर को चुनौती देकर अपने लिए ही हालात मुश्किल क्यों बनाता है, यह भी समझ से परे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला ट्रैक भी बेहद बेहद नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला ट्रैक भी बेहद कंफ्यूजिंग है। इंटरवल के बाद इस ट्रैक को काफ़ी फुटेज दिया गया है और इस दौरान फिल्म अपने निमितम स्तर पर पहुंच जाती है। फिल्म ख़त्म होने के 20 मिनट पूर्व फिल्म का स्तर ऊंचा उठाया है। इमोशन टच दिया गया है जो सलमान खान के व्यक्तित्व से मेल खाता है। इसलिए सिनेमा हॉल छोड़ते समय दर्शकों को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स उम्दा है और सलमान खान ने उन्हें बखूबी निभाया है। सलमान खान का जैकलिन फर्नांडिस के पिता से पहली मुलाकात वाला दृश्य भी रोमांचक है। किक फिल्म का आज की पोस्टर में हमें सलमान खान की फिल्म किक से जुड़ी 15 ऐसी अनुसानीय और रोमांचक बातें के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। किक हिंदी भाषा में बनी एक्शन फिल्म थी जो 25 जुलाई 2014 को ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणदीप हुड्डा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई बड़े एक्टर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा फिल्म में नरगिस फाकरी भी आइटम संगो यार ना मिले में कैमियो करते नजर आई थी। इस फिल्म से साजिद नेडियावाला ने अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूसर भी उन्होंने किया था। बता दें कि ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। इस फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया, मीट ब्रोस, अनजान और यो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था। फिल्म में 5 गाने थे और सभी गाने उस सुपर हिट हुए थे। इनमें से एक गाना हैग ओवर खुद सलमान खान ने ही गाया था। फिल्म को क्रिटिक्स की तरह से काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले थे। यहाँ तक कि पॉपुलर वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के ओनर तरन आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए गए और पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा फिल्म दर्शकों को भी बेहद पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सेकेंड से इस प्रकार से किक मूवी का बजट 140 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था और किक मूवी को ऑफिस कलेक्शन इंडिया में 232 करोड़ रुपए की थी और किक मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 402 करोड़ का रुपए का कमाई करके और इस मूवी ने कमाई के मामले में अपना नाम रोशन किया था। यदि आप
यदि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की बात करें तो यह साल 2014 में रिलीज हुई दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी। साल 2014 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आमिर खान की फिल्म पीके थी, जिसने दुनिया भर में 854 करोड़ की रुपये की शानदार कमाई की थी। इसके अलावा ऑल टाइम ओपनिंग डेर और पहले हाफ के कलेक्शन के मामले में भी एक दूसरे नंबर पर रही, क्योंकि पहले नंबर पर आमिर खान की फिल्म धूम 3 थी। इतना ही नहीं कि सलमान खान के करियर के भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जिसने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके अलावा ये सलमान खान के करियर की 7वीं ऐसी फिल्म भी थी जो सैकड़ों के क्लब में शामिल हो चुकी थी। इसके साथ साथ ये सलमान खान के करियर की पहली ऐसी फिल्म भी थी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। आपको बता दें कि किक पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी और वहाँ भी इस फिल्म ने जमकर कमाई की थी। पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पहले दिन में कमाई के मामले में और आमिर खान की धूम 3 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही में कई अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। इस फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी को कुल मिलाकर 24 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से यह फिल्म 11 अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। फिल्म में देवी लाल सिंह नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है जो लोगों की छोटी छोटी मदद करते उसमें की ढूंढता है, लेकिन उसे इसमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। एक बार वह पड़ोस की बच्ची झुमकी की जान बचाता है जिसे सीरियस बीमारी होता है। उसी बच्ची को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और लेकिन जब वह ठीक होकर स्माइल करती है तो इसमें देवी लाल सिंह को बहुत खुशी मिलता है। इसके बाद डॉक्टर के कहने पर वह ऐसे ही गरीब बच्चों की मदद करने के लिए अमीर और क्रप्ट लोगों के यह चोरी करना शुरू कर देता है। फिल्म रिलीज के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक इंटरव्यू में इस बात को खुलासा किया था कि वो इस फिल्म को हर हाल में करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद उनकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी और उनकी छोटी फिल्म भी चलने लगेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात सच में निकली और इस फिल्म ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ा स्टार बना दिया। इस फिल्म ने एक सीन्स में सलमान खान लेट बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती की फिल्म विश्वात्मा के गाने साथ सुंदर पार पर डांस करते नजर आते। आपको बता दें कि दिव्या भारती की फिल्म में किक फिल्म के ही डायरेक्टर साजिद नेडियावाला की पहली पत्नी थी, जो महज 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट देने के लिए साजिद नेडियावाला ने सारे गामा अपनी से इस गाने को राइटर्स 1.5
5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। जैसे कि हमने बताया कि यह साउथ के फिल्म की रीमेक थी, जिसके रीमेक के राइटर साजिद नेडियावाला ने काफ़ी पहले खरीद लिए थे। सलमान खान से पहले साजिद नेडियावाला इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए रवि तेजा को कास्ट करने वाले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके अलावा शुरुआती के दौरान साजिद इस फिल्म का डायरेक्शन साउथ के जाने माने डायरेक्टर आर मुर्गा आर डायरेक्टर ए आर मुगु मुरुगादोस से करवाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टर करने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर का जिम्मा शिरीष कुंदर को दिया गया था, जो इससे पहले सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म जान सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म जाने मन और अक्षय के साथ ही फिल्म जोड़ कर भी डायरेक्शन कर चुके थे, लेकिन बाद में उनके साजिद ने प्लान प्लान चेंज कर दिया और खुद ही इस फिल्म को डायरेक्टर करने का मन बनाया। सलमान खान से पहले डेविल के रोल के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार और सैफ अली खान से बातचीत की गई, लेकिन बाकी फिल्मों में बिजी होने की वजह से दोनों ने ही इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। बाद में ये रोल सलमान खान के पास आया। इनके अलावा जैकलिन फर्नांडिस से पहले दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और इलियाना डी क्रूज को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण से सभी ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। बाद में यह रोल जैकलिन फर्नांडिस के पास चला गया। फिल्म में सौरभ शुक्ला ने जैकलिन फर्नांडिस के पिता और सलमान खान के कादर इन ला का किरदार निभाया, जो असल में सलमान खान से महज टू साल की बड़े हैं। इस फिल्म में सलमान खान को पहली बार फ्रेंड दाढ़ी में देखा गया था। इससे पहले ये किसी भी फिल्म में फ्रेजदारी में नजर नहीं आई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलमान खान और साजिद नेडियावाला इस फिल्म के सीक्वल किक टू पर भी काम कर रहे हैं और इस फिल्म का डायरेक्शन भी साजिद नेडियावाला ने ही करेंगे। यह फिल्म क्रिमस 2021 के मौके पर रिलीज हो सकती है, नहीं तो 2022 में भी रिलीज हो जा उस 2022 में भी रिलीज हो सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का नाम डेविल भी फाइनल किया जा सकता था। कलाकार सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डायरेक्टर साजिद नेडियावाला के फिल्म की कि सलमान खान के बारे में दो बातें सिद्ध हो गई है कि वो अपनी फिल्में में मनोरंजक के साथ साथ संदेश की लगना जारी होंगे। जो जय हो में उन्होंने संदेश दिया था प्यार और भाईचारे का, इस बार वो फिर ब्रेजिंग हनीमून के ब्रांड एवेंसडर के साथ अपने टाइटल के इंटरटेनमेंट लेकर आए हैं। कि के देवी लाल सिंह में प्रेम प्रेम का प्यार वाला चेहरा नजर आता है जो आता है तो दबंग के चुलबुल पांडे और रॉबिन होडा पांडे की
झलक भी साफ दिखाई देती है। फिल्म फूल टू धमाल है। साजिद नेडियावाला का निर्देशक भी जमा है। उन्होंने दिखा दिया है कि पैसे और एक्टर का कामयाब संगम कैसे किया जाता है। खास यह कि फिल्म में एक ही चीज है, सलमान खान कहानी में कितना दम है। फिल्म की कहानी मजेदार है बिल्कुल। सलमान खान टाइटल प्रेमिका है, पुलिस वाला है, एक विलेन है और ढेर ढेर सारे इमोशन हैं। खास बात यह है कि जब फिल्म में सलमान खान का नाम आता है तो कहानी काफी पीछे छूट जाते हैं, लेकिन किक में ऐसे नहीं लगता कि साजिद नेडियावाला ने पूरी कोशिश की है कि वो कहानी कई दिलचस्प मोड़ लेकर आते हैं। कॉमेडी का तगड़ा भी है, अच्छे गाने भी है, सितारे को अच्छी एक्टिंग भी है, यानी पूरी तरह से इंटरटेनमेंट है। और कहे तो फैमिली इंटरटेनमेंट साजिद नेडियावाला ने बहुत ही होशियार के साथ सारा काम किया है। उन्होंने फर्स्ट हाफ को कॉमेडी भरा रखा है तो दूसरा पार्ट एक्शन और कई कई सरप्राइजों से पटा पड़ा है। फिल्म में हर सितारे को अपना मजबूत बावजूद बावजूद है। देवी लाल सिंह के पिता के रूप में मिथुन चक्रवर्ती धमाकेदार रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर संजय मिश्रा भी गुदगुदाते हैं। साइना यानी जैकलिन फर्नांडिस के किरदार में सौरभ शुक्ला भी दिलचस्प है। सलमान खान पूरी फिल्म में कमाल है। चाहे डेविल के रोल में हो या लाल सिंह के, उन्हें देखकर मज़ा आता है। लेकिन जिस शख्स पर पूरे पूरी फिल्म में इंतजार रहा है वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। नवाज ने सिद्ध कर दिया है कि अगर उन्हें बड़े बैनर्स में मौका मिलता रहा तो वो अच्छे अच्छे के पसीने छुटा देंगे। फिल्म में वो गदर लगे हैं। जैकलिन भी बतौर एक्टर उभर कर सामने आई है। उनकी एक्टिंग अच्छी है। हसीन तो वो ही है। इसके अलावा उन्होंने जुम्मे वाले गाने को इतना जबरदस्त डांस किया है कि बॉलीवुड का टॉप हीरोइन को ईर्ष रसक हो जाएगी। बड़े बजट वाली फिल्म है। सिनेमा हॉल में जिस तरह की भीड़ टूट के पड़ी है उसे देखकर यह हाफ हो जाता है कि फिल्म को सैकड़ों में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बात अब यह है कि फिल्म 200 या 300 करोड़ रुपए के क्लब में अपनी मौजूदगी दर्ज करती है या नहीं, क्योंकि इसमें हर वो मसला है जो इस फुल इंटरनल बनती है। हर तरह के ऑडियंस के लिए कांटेक्ट है। और फिर ईद का मौसम है। सलमान खान ने अपने फिल्म ईद के तोहफा दिया है। सब कुछ उन्हें चाहने वाले पर बनाते हैं। सलमान खान की दबंग बॉडीगार्ड एक था टाइगर और जय हो का एक्टर एक
एक्सटेंशन कहते हैं कि का डेविल अपने आपको धूम की याद दिलाता है। तो जय हो में सलमान खान ने बेजिंग ह्यूमन को भी अपने किरदार से जुड़ा है। बेशक शुरू शुरू से आखिर तक पूरी सलमान के कंधों पर टिकी है। धूम के जिस किरदार में अभिषेक बच्चन बार बार कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही किरदार में रणदीप हुड्डा ने ना जान डाल दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब भी सलमान खान के सामने आए, हाल हाल में बैठे दर्शकों की जमकर वाहवाही लूटी। वह इस फिल्म में सलमान खान का एक डायलॉग है, मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। अगर दो शब्दों में कही जाए तो सलमान खान ने इस छोटी सी बातें में इस फिल्म और अपने किरदार के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। अगर देखने जाए तो दिल लगाकर देखिए तो एंजॉय करेंगे। अगर दिमाग लगाए तो सेंटेंस लेकर बाहर आए, आपकी आंखों को भुलाने वाली बेहतरीन लोकेशन, हैरत अंगेज स्टंट एक्शन सीन्स भी भरमार आइटम नंबर वन का तड़का इस फिल्म में ऐसा हर मसला मौजूद है जो बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म को सुपरहिट करने का दम रखता है। बेशक किक इस ईद पर सलमान खान को उनके फैंस को मोटी मोटी ईदी दिलवाने का दम रखती है। और हाँ, अगर आप इस फिल्म को फुटबॉल में लगने वाले किक से जोड़ रहे हैं तो आप गलत हैं। कि या किक की जैसे कोई चाहता है कि करीब करीब 4000 स्क्रीन पर रिलीज की अब तक की सबसे बड़े पैमाने पर रिलीज हुई फिल्म जो है और फिल्म जो ओवरसीज में भी 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई। फिल्म को जिस क्लाइमेक्स के साथ खत्म किया गया था उससे यही लगता है कि अगर आने वाले दिनों में यशराज बैनर की धूम सीरीज की तर्ज पर मीडिया वाला की किक सीरीज स्टार्ट होगी। कहानी दिल्ली का देवीलाल उर्फ डेविल सलमान खान जीनियर्स हैं। डेविल अपनी लाइफ में हर पल नया रोमांस चाहता है। दिल्ली का सड़कों पर थ्री व्हीलर चलाने के वाले देवी की लाइफ में टर्न उन वक्त आता है जब उनकी मुलाकात डॉक्टर सान्या जैकलिन फर्नांडिस से होती है। सान्या देवी लाल की अजीब अजीब हरकतें देखकर हैरान है। अपने पापा मिथुन चक्रवर्ती और साथ ही टल्ली होने तक दारू पीने वाली इस बाप बेटे को जोड़ी को सान्या बेहोश की हालत में घर छोड़ने जाती है। यहीं पर देवीलाल की माँ अर्चना पूरन सिंह से मिलकर सान्या को दारू में टल्ली रहने वाले देवीलाल का दूसरा रूप दिखाई देता है। देवी का अब तक की 32 से ज्यादा नौकरियों छोड़ चुका है। हर बार उसका नौकरी छोड़ने की वजह से सही की का नाम मिल पाना होता है। कुछ मुलाकातों के बाद सन्या को देवी से प्यार हो जाता है। लेकिन वह चाहती है कि देवी अपने करियर पर ध्यान दे। सन्या चाहती है कि देवीलाल कहीं
कहीं टिक कर अच्छी नौकरी करे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके बाद इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। देवी और सान्या को अलग अलग हुए एक साल बीत चुका है। सान्या के पापा सौरभ शुक्ला अब अपनी बेटी की शादी जंबाज पुलिस ऑफिसर हिमांशु इत्यादि रणदीप हुड्डा से तय करते हैं। रणदीप हुड्डा से तय करते हैं। एयरपोर्ट पर हिमांशु और सान्या मिलते हैं। पहले मुलाकात में हिमांशु सान्या को बताता है कि उसे लंबे उर्से से खतरनाक चोर डेविल की तलाश है जो हर बार उसे चकमा देकर करोड़ों की चोरी करके फरार हो जाता है। यहीं शुरू से होता है चोर की पुलिस के बीच का लंबा का खेल जो आखिर तक चलता है। हिमांशु सान्या और डेविल की इस कहानी में एक अहम किरदार फ्रॉस्ट होम मिनियर का दीपन शर्मा के भतीजे शिव नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी, जिसने बरसों पहले देवीलाल को डेविल बनने पर मजबूर किया। एक्टिंग देवीलाल और डेविल दोनों ही किरदार में सलमान खान को सौंपी दी है। परफेक्ट है। जय हो में कुछ सुझाव से नजर आए सलमान खान इस बार फ्रेश और सौफीदी एनर्जी के साथ स्क्रीन पर है। एक्शन डांस और एक्टिंग तीनों ही फील्ड में सलमान खान नंबर वन रहे हैं। रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अपने अपने किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाया। फिर भी वीर के बाद एक बार फिर सलमान खान के पापा बने मिथुन चक्रवर्ती। बस ठीक ठाक रहे अर्चना पूरन सिंह ने वही कुछ किया जो कॉमेडी शो में करती नजर आती है। जैकलिन फर्नांडिस के करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसके बावजूद जैकलिन फर्नांडिस ने डॉक्टर सान्या का किरदार को कहीं कमजोर नहीं पड़ने दिया। डायरेक्शन साजिद नेडियावाला ने कंप्लीट होमवर्क के बाद ही डायरेक्शन की फील्ड में आए। लेकिन न जाने क्यों क्लाइमेक्स में बेवजह लंबा खींचा। एक्शन स्टंट सीन्स का जवाब नहीं, वही तारीफ करनी होगी कि उनकी सलमान के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दिल्ली और विदेशों में लोकेशन पर साजिद ने कैमरामैन से बेहतरीन काम लिया। फिल्म के दो गाने मैनू यार ना मिले तो मर जावा और जुम्मे की रात है पहले से ही फिल्म के बाकी गानों का फिल्मांकन भी बेहतरीन हुआ। सलमान खान के फैंस हैं टेंशन भगाने और इंटरटेनमेंट करने के मकसद से थिएटर जाते हैं तो सलमान खान की किक आपको जरा भी अपसेट नहीं करेगा। सलमान खान सर की फिल्म किक आपको जरा सा भी अपसेट नहीं करेगी। हाल ही से हटकर और बार कुछ नया देखने वाली क्लास के लिए किक
क्लास के लिए किक में ज्यादा दम नहीं है। भारतीय अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका अभिनेत्री है। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंकाई मूल की भारतीय अभिनेत्री एवं मॉडल हैं जो हिंदी फिल्मों में कार्य करते हैं। वो 2006 की मिस श्रीलंका यूनियर्स रह चुकी है। उन्हें 2010 का सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का आईफा से स्टारडम पुरस्कार फिल्म अलादीन के लिए प्रदान किया गया था। उन्होंने अपने करियर की अलादीन फिल्म से 2009 से की थी, जबकि उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में भी कार्य किया है, जिसमें सलमान खान के साथ किक 2014 में और राय जैसे फिल्मों में कार्य किया है। डेविड धवल की निर्देशित फिल्म जुड़वा 2 में वरुण धवन के साथ भी दिखाई दी थी। सलमान खान ने साफ साफ कह दिया है कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं आता, लेकिन जब बात जेब से पैसा जाने की होते तो दिल के बजाय दिमाग से सोचना हमेशा समझदारी भर होता है। अगर सलमान खान से आपको दिल लगा है तो किक के बारे में सुनने जाने का कोई मतलब नहीं है, मगर आप दिमाग से सोचते हैं तो और अपने पैसे की कदर करते हैं तो विश्वास कीजिए कि इस फिल्म से आपको किक नहीं मिलने वाली। किक की यानी सीधे साधे अर्थों में आह वाह टाइप पैसों वसूल मजा सलमान की तसर्दी यह है कि उनकी जिंदगी और फिल्मों किसी रियलिटी शो की तरह हो चुकी है। दोनों गड्डू मंडू है। असल जिंदगी में सलमान पर्दे पर दिखने वाले हीरो के जैसे हरकतें बातें करते हैं और फिल्मों में उन हरकतें बातों की सफाई देते फिरते हैं। हाल के वर्षों में वह अपनी फिल्मों में निजी जिंदगी के तमाम एजेंट प्रोमेंट करते दिखे हैं। यही किक में है, इसलिए फिल्म में एक एक्टर उनके बारे में कहता है कि वह ह्यूमन बाजार की सिद्र से भले यही सफल स्वाद लगे, मगर कला का दृष्ट से यह चुटकुला है जो सलमान खान को हंसी का पत्र बना देता है। सलमान की अपनी हर फिल्म में इमेज चमकाने के प्रयास करते हैं। उनकी कोशिश मसीहा या दरवेश दिखाने की कहती है। उनके समांतरण शाहरुख खान और आमिर खान अपनी फिल्मों में अलग से कुछ नहीं करते, बल्कि ऐसे रोल करते हैं कि इमेज खुद ब खुद चमक जाती है। की कहानी देवीलाल सलमान खान की है, जिसे जिंदगी में जोखिम भर काम करने में ही मजा आता है। अर्थ की मिलती है, इसलिए वही नौकरी नहीं कर पाता है। उसकी मुलाकात एक मनोचिकित्सा साइना जैकलिन फर्नांडिस से होती है और हाँ ना हाँ के बाद उन्हें प्यार हो जाता है। लड़की का पिता बड़ा ब्यूरोक्रेट है और देवी पर तंज करता है, कसता है उसकी
कि उसकी हालत देखकर लगता है कि वह शादी के बाद घर जमाई बन जाएगा। नाराज देवी सायना से कहता है कि अगर पैसे कमाना ही कामयाबी है तो फिर आज से उसकी किक सिर्फ पैसा बनाना है। वह करोड़ों अरबों का अंबार लगा देगा। देवी लाल सिंह देविल बना जाता है। अमीरी को लुटाता है। डेविल को पकड़ने का काम पुलिस अधिकारी महसूल हिमांशु इत्यादि रणदीप हुड्डा को मिला है। की कहानी में कोई सिरे ऐसे हैं जिनमें कोई तर्क नहीं मिलता, जो कहानी में गैर जरूरी होते हैं, चूंकि किरदारों को ढंग से ढंग नहीं गया है और न ही उनकी भावनाओं को उभारा गया है। ऐसे में वो सस्ते चाइनीज माल की तरह लगते हैं। फिर फिल्म के लेखकों ने सलमान को चमकाने के चक्कर में कलम घसीट घसीट कर उन्होंने दृश्य को खूब खींचा है। फिल्म में सलमान खान ने इंट्रोडक्शन सीन की ही बात करें तो यह ऐसे चलता है कि मानो दुनिया भर की पहली बार सलमान को देख रही है।